महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में एक कानून बन चुका है, जिसको लेकर यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक में कहा कि मैं स्वयं ही एक बहुजन यानी कि दलित समाज से बिलोंग करती हूँ और 5 बार से मैं विधायक भी रही हूँ। दलितों के बीच में हमारी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, बहुजन वर्ग उससे बहुत ही प्रभावित हुआ है। वहीं महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल आने से राजनीति में रुचि रखने वाली महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम अपनी सरकार और प्रधानमंत्री को महिला आरक्षण बिल के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। दलित और 5 बार चुनाव जीती हूँ, दलितों में बहुत अच्छा वातावरण है क्योंकि दलितों के लिए सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, चाहे अनाज हो, चाहे उनके राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बिजली के कनेक्शन हो, और चाहे उनके लिए बिजली के कनेक्शन के साथ साथ गैस के सिलेंडर हो, सारी सुविधाएं हमारे सरकार दे रही है। और जो अनुसूचित जाति है वो सभी प्रसन्न, महिलाओं के अंदर एक उत्साह है, जिन महिलाओं के अंदर थोड़ी सी भी राजनीतिक जागृति है उन सभी महिलाओं को इसमें काम करने का मौका मिलेगा और निर्वाचन